पृथ्वी पर हवा की घूर्ण के कारण उत्पन्न होती है। कोरियोलिस बल के कारण। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? ग्यारह ईसा पूर्व में। दिल्ली मेट्रो का परिचालन सर्वप्रथम कब हुआ था? 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस।